चलिए चलते हैं। पिज्जा मोमो कौन सी खिलौना पूछे थे कि क्या लेके आएंगे तो तुम क्या बोले थे? वही वाला था, खाने वाला थी। क्या है? बर्गर। ले आओ प्लेट लाओ। मैंने बेटा को कॉल करके पूछा था कि तुम्हारे लिए क्या खाने को लेके आऊं। मम्मा ये वाला मैंने धोया है। तो उसका पहला जवाब था कि वो बर्गर खाएगा। तो अब स्टेशन से मैं कहाँ बर्गर ढूंढने जाऊं फ्रेश? तो वो जो बेकरी शॉप होता है ना स्टेशन पे, वहाँ पे बर्गर रहता है, तो मैंने उसके लिए वेज बर्गर लिया है। अब देखते हैं उसे कैसा लगता है, खा के वो बताएगा, है ना? और बर्गर के साथ और कुछ चाहिए था? क्या? पिज्जा। तो बर्गर पिज्जा दोनों एक साथ तो तुम खा नहीं पाओगे। बहुत अच्छा है। और कौन जी? मजा आया? आ गया ना बर्गर। अब मम्मा से मिलिए कैसा लगा? अच्छा। तो अब नानी के पास रहोगे ना? नहीं, मम्मा मम्मा के पास। मम्मा तो तुम पे गुस्सा करती है। नहीं नहीं, नहीं। तो मम्मा को तो तुम किसी दिए नहीं आए थे। झूठा गाल से किस कर दिए ना। ठंडा ही ना रहता है। तुम ही को ना चाहिए था कोल्ड ड्रिंक्स। कैसा लगा मम्मा से दूर रह के? अच्छा नहीं लगा। मम्मा को कितना याद किए? मम्मा को कितना याद किए? बहुत याद किया। बहुत ज्यादा। और अब तो तुम बड़े हो गए हो। नहीं नहीं, अब तो तुम बड़े हो गए हो। नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ। ठंडी लग जाएगी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे तो। यहाँ पे हाथ मत रख दीजिए। पता नहीं क्या गिफ्ट मिलने वाला। अच्छा, ये लॉकेट है शंकर भगवान वाला। तो वे पहिरौले रंग उलट पलट के निकाल देना। बहुत अच्छा है, थैंक यू। ये बेटा मेरा लॉकेट दिया है हमको गिफ्ट में। गिफ्ट दिया में। बहुत अच्छा है ये। थैंक यू बेटा। वेलकम। मैं पहन ही लेती हूँ। बेटा दिया है गिफ्ट तो पहन लूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा। बहुत अच्छा, देख लो। अच्छा लग रहा है ना? माँ के हाथों का खाना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। कितने दिन बाद भी खाइए। और ये देखो बर्गर यहाँ रख के गया अभी। वो थैंक यू। इतना बड़ा बड़ा मिर्च है, तो एक ही बार में खा रहा हूँ। अच्छा मामा, बड़े मामा छोटे मिर्च लाते हैं। चलिए आप भी खाइए। तुम अपना बर्गर नहीं खाओगे अब? हाँ, पेट भरेंगे, ज्यादा खाऊंगा तो मोटा ही होगा। क्या खाओगे? बनाना खाओगे कि लड्डू खाओगे? बनाना दे दीजिए। बनाना खाएगा, ले लो। आप खाइए ना माँ, खा लीजिए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा कि मैं बेटा के पास आई हूँ उसे ले जाने के लिए। बाकी बातें मैं बातें करती हूँ। थोड़ा बाहर आई हूँ और मेरे साथ ये भी आया हूँ। हाय कर दो सबको। हाय। तो मैं थोड़ी देर में आपसे डिटेल से बात करती हूँ। हाँ जी, प्लीज़ इग्नोर माई फेस। मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, मैं खुद अभी देख रही हूँ अपने आप को। हाँ, तो मेरे इतने दिनों के ब्लॉग में आपको मेरा बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा इस बात को। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं उसे मम्मी के पास छोड़ के गई थी।
क्योंकि पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत अकेली थी, तो उसने इंसिस्ट किया था कि बेटा को कुछ दिन के लिए छोड़ दूँ, बट नहीं रखो, तो मैंने छोड़ दिया था मैं कुछ दिनों के लिए। बट उस टाइम मेरी छोटी सिस्टर भी आई हुई थी, तो वो अपने बच्चों के साथ थी यहाँ, तो चूँकि उसके दो बच्चे हैं तो उनके साथ ये बिजी रहता था, तो इन्जॉय कर रहा था, तो टाइम भी ज़्यादा था। बट वो चली गई अभी हाल फिलहाल में, तो अभी अकेले पड़ गया था, इसको मन नहीं लग रहा था, तो कॉल करती थी तो मुँह बना के बोलता था कि मम्मा मुझे आपके पास आना है, तो ऑब्वियसली भाई बच्चा है और मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, बट उस टाइम सिचुएशन ऐसा था कि मैं माँ के अलावा और कुछ नहीं सोच सकती थी, तो इसलिए मैंने माँ के पास इसे छोड़ दिया था। बट अभी ठीक है, अभी कितना दिन तक वो रहेगा यहाँ और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था उसके बिना, तो मैं उसे लेने के लिए आ गई। और अभी छठ पूजा भी है, तो छठ पूजा भी मतलब आने वाला है, तो पहले सोचा कि चलो इसी बहाने छठ पूजा भी हुआ हूँ वहाँ पे और बेटा को भी साथ में ले लूँगी, वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो बस ये सब चल रहा है। आपने जैसा कि देखा कल शाम को कितना हैप्पी था मेरे आने के बाद, मैं उस टाइम तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई जब ये मुझे रिसीव करने के लिए रोड पे आया था, ये अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि इसे मैंने बताया नहीं था कि मैं आज आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा खुश था, इसने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आज आऊँगी ऐसे सडनली। बट वो फीलिंग्स मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतना जिससे जब दौड़ के आके मुझे हक किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने बाद में फिर सूट किया क्योंकि वो मोमेंट के टाइम सूट करना वगैरह सब मैं भूल गई थी, और इतने दिनों बाद में उससे मिली थी और पहली बार उसे छोड़ा था, तो वैसे मुझे भी वो फीलिंग थी थोड़ा इमोशनल टाइप, तो इसलिए मैंने उस टाइम सूट नहीं किया। और अभी ये हो गया, बहुत ज़्यादा चंट हो गया है अभी, ठीक है नेक्स्ट डे हो चुका है। मम्मा का बर्गर पिज्जा, मम्मा मेरे लिए पटाखा खाने के लिए थी लाई थी, ये बार लाई लाई करके मैं ट्वेल्थ कर रही। तो आज नेक्स्ट डे हो चुका है और जैसा होगा मैं आपको बताऊंगी। ये पूरा रोड में लाइट सजा है, हम लोगों के पीछे भी ऐसे ही लाइट पूरा सजा हुआ है, पूरा लाइट। तो मैंने बोला कि चलिए थोड़ा घुमा के लाया जाए मम्मी लोगों को भी, तो बस हम लोग निकले हैं। और बहुत जगह आज भसान भी है काली पूजा का, वही ढोलक वगैरह भी जा रहा है, तो चलिए घर से निकले हैं, देखते हैं कहाँ घुमाते हैं मम्मी को। कि पंडाल है जैसा कि आप लोगों ने देखा, तो बस अभी हम लोग थोड़ा मेला घूमेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और कुछ इसे भी खिलाएंगे। अभी खिलौना खेलने खरीदने के लिए इसका मुंह बना हुआ है, तो देखते हैं कुछ बजट फ्रेंडली होगा तो खरीदाएगा। अभी डांट खाया है ना, तो मम्मी से प्यार
डर मिल रहा है अभी डांटी हूँ। देखिए सारा डांट खत्म खिलौना के नाम पे, खिलौना के नाम पे सारा मतलब गुस्सा खत्म हो गया। चलिए चलते हैं मेला एक्सप्लोर करते हैं, खिलौना देखते हैं कि क्या पसंद आता है उसको। वो कैसे करके है वो वाला? हाँ ये वाला। हेलो, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। मैंने कल रात को ब्लॉग का एंडिंग नहीं दिया था, मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में एंडिंग दे दूँगी। और एज यूजुअल मैं यहाँ पे अपने बेटा को बैठी हूँ थोड़ा पढ़ाने, बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है, तो मैंने सोचा एक बार थोड़ा क्रॉस आउट कर लेते हैं भाई कि पढ़ाई ठीक चल रही थी कि नहीं। तो वही मैं बैठी हुई हूँ और देखिए ये भी आ गए अपना फुटेज देने के लिए। इनको पढ़ाई के लिए बोले थे कैमरा मैन फुटेज। तो बस ऐसा रहा कल का दिन। हम लोगों ने थोड़ी बहुत पंडाल का एक्सप्लोर किया, देखा अच्छा है। आज आई थिंक सारा पंडाल बसान मतलब मूर्ति विसर्जन हो जाएगा सारे पंडाल का मेरे ख्याल से। और कल से छठ पूजा भी स्टार्ट हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, हर बार की तरह नहीं बट ठीक है, पूजा है तो एक्साइटेड तो हूँ, बट वो वाला एक्साइटमेंट नहीं है इस बार, रीज़न आप सबको पता है तो ठीक है। खैर मैं इस मैटर पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी, मैं उस फेज में वापस नहीं जाना चाहती हूँ अभी तो। ये होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।